ब्लड इन्फेक्शन ब्लड में, वोमिट की फीलिंग रहती थी इसको, हमेशा इसको लगता था वोमिट होगी, ऐसा फील करती थी, और जैसे प्रेग्नेंट लेडीज़ करती फील ऐसा, उसको अक्सर फेक प्रेगनेंसी फील होती थी कि कुछ है पेट में, कुछ चल रहा है, कुछ है ऐसा। गुरु जी प्रणाम। खूब खुश रहिए, कैसे हैं आप? ठीक हूँ गुरु जी। बिल्कुल ठीक, एकदम करेक्ट। गुरु जी मैं अरुणाचल प्रदेश से आई हूँ। सॉरी, अरुणाचल प्रदेश से आई हूँ। हाँ, अरुणाचल प्रदेश जी। और मेरे डीएनए में 6 लोग हैं गुरु जी। यस, परिवार के लिए आई हूँ सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वेलकम। ये आपके तमाम स्वयं के रोग कष्ट थे जो नष्ट हुए, आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। डिप्रेशन था, उलझन बेचैनी घबराहट बनी रहती थी, श्वास फूलना, ओवरी जो है निष्क्रिय हो रही थी, नर्वस सिस्टम डैमेज हो रहा था, सिजोफ्रेनिया था, महसूस होना कोई है, नकली भूत प्रेत की जो बीमारी हो वो, बुद्धि बंदी रहती थी, अकड़न जकड़न बने रहना शरीर में, निद्रा जो है अनियमित थी, अत्यधिक क्रोध आना, मांसपेशियों में सड़न हो रही थी, गॉल ब्लैडर निष्क्रिय हो रहा था, पैरों में कमजोरी बनी रहती थी, जॉइंटिस की स्मृतियाँ थी, हत्या हत्या आत्महत्या के विचार आते थे, पागल बनाने वाली स्मृतियां थी, पैनक्रियाज में सड़न, यूरेटर में सूजन, किडनी श्रिंक हो रही थी, बाइपोलर डिसऑर्डर था, कैंसर की स्मृतियां थी, कोलोन में, हड्डियों में, रक्त में और यूट्रस में। यूट्रस ऐसे आपका जो है बहुत कमजोर हो गया था, और स्वेलिंग में इन्फेक्शन, फाइब्रॉइड्स, फिलोपियन ट्यूब्स में सड़न, अंदर इन्फेक्शन था, ये सब नष्ट खत्म। किडनी में अंदर गलन हो रही थी, यूरेटर में सड़न हो रही थी, और धीरे धीरे किडनी निष्क्रिय हो रही थी, इसीलिए यूरिनेशन में प्रॉब्लम, इन्फेक्शंस, ये सारे थे जो अब नष्ट हो गए। आप कुछ नहीं। थैंक यू गुरु जी। और गुरु जी मैं अपनी बेटी के लिए आई थी। यस, आप बेटी का फोटो है? हाँ, बड़ी बेटी। आप देखिए उसको। ठीक है, देखिए। कुछ लाए नहीं? एक तो बेटा इसका पीसीओडी का प्रॉब्लम मेन, इसका पेट में दर्द रहना, एंजाइटी फील करना, घबराहट, बेचैनी, उलझन इसको होना, रात में ख़ास तौर से डरना, रात में डरती है ये, और लीवर इसका जो है शिथिल हो रहा था, स्वेलिंग हो रही थी, भूख कम हो रही थी इसको, और किडनी में इसको इन्फेक्शंस हो गए थे किडनी में, क्योंकि स्मृतियाँ आप यहाँ थीं, शरीर में इसके कई जगह गांठें डेवलप हो रही थी, और इसका रक्त दूषित हो रहा था, ब्लड इन्फेक्शन ब्लड में, वोमिट की फीलिंग रहती थी इसको, हमेशा इसको लगता था वोमिट होगी, ऐसा फील करती थी, और जैसे प्रेग्नेंट लेडीज़ करती फील ऐसा, उसको अक्सर फेक प्रेगनेंसी फील होती थी कि कुछ है पेट में, कुछ चल रहा है, कुछ है ऐसा, ये वाला सब गंदा स्मृति थी, और आंखें इसकी कमज़ोर होती जा रही थी, वीकनेस आ रहा था आंखों में, ग्लूकोमा की स्मृतियों के कारण जो नष्ट हो गई। अब बैक में इसको पेन होता था, बैक पेन हमेशा, इसको थोड़ा लिक्यूरिया जैसा था वो प्रॉब्लम, वो अब सब नष्ट हुआ, ब्रेन में ट्यूमर्स इसको डेवलप हो रहे थे, और थायराइड भी इसको था, साथ में गले में स्वेलिंग इसको बना हुआ था, स्वेल ऐसे होता था, और लंग्स इसके श्रिंक हो रहे थे, लंग्स इसके श्रिंक होते जा रहे थे, इसीलिए चलने में थक जाती थी, थकना मतलब फैटिकनेस इसको महसूस होता था, है ना, करती है। यस, वो जो गुस्से वाला काम है वो उसका
OCD में आता है। तो अब वो सब ठीक है, चिंता मत करो, उसको केवल एक संकल्प आपको कराना है, ठीक है। और कल जो महाहवन होगा उसमें संकल्प करके उसको रखना है अपने साथ। कितना लोग रखे DNA में? 6 लोग जी। आप हो गए? मेरे हस्बैंड हो गए, और 4 बच्चे अपने हस्बैंड को रखिए आप साथ में संकल्प में। कल जो महाहवन दरबार से कराएगा आपको निशुल्क, तो अपने को रखिए, हस्बैंड को रखिए, और इस बेटी को रखिएगा संकल्प, ठीक है। तो जो असाध्य रोगों का स्मृतियाँ वो भी नष्ट हो जाए। खुश बाद में वापस आके कर सकते हैं महाहवन? अभी कब आपको जाना है? गुरुजी आज जाने का बात था, सुबह आपसे मिलके जाने का बात था। अच्छा, अगर आने में फिर आपको प्रॉब्लम होगा, फिर दोबारा आने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, थोड़ा टाइम देख के आना पड़ेगा। अगर आप कल कर सकें तो बेहतर है, अगर कल कर सकें तो बहुत बेहतर है, अदरवाइज आपको कोई विशेष काम हो तो दोबारा आके कर सकते हैं। दीदी भी है, दोनों का देख लेते हैं। अच्छा ठीक है, अभी मिलता हूँ, खुश रहिए। स्लिप ले लीजिए महावन का।